हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन फिर से आ गए हैं इस गेट के पास, इस बार लेकिन चाबी लेकर, और अब अभी एंटर एंट्री मारेंगे। तो एक नया एपिसोड है एल्डन रिंग का, आप सभी को पता ही होगा अगर फॉलो कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो पुराना गेम प्ले देख लेना। तो यहाँ पर हमको सामने ही ग्रेस मिलता है जैसे ही एंट्री मारते हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रेस को एक्टिवेट कर रखा था इसलिए यहाँ पर रेस्टेड साइड दिखाया, वरना पहली बार आओगे तो एक्टिवेट करने को दिखाएगा। हाँ, तो ये रहा लिफ्ट और ये हमें ले चलेगा एकेडमी में, एकेडमी ऑफ रेयल इक्वायरिया, और वहाँ हमें मिलना चाहिए रिनाला जो कि और एक शार्ट बियरर है। हमको ये सब शार्ट इसलिए चाहिए क्योंकि अपन एल्डन लॉर्ड बन सकें। और आप देख रहे हो कि मैं अपना वेपन बदल चुका हूँ, नागा की बार रखा हूँ मैं, उची गताना हटा दिया हूँ, और इसी के लिए मैं यहाँ पर पहले आया था और ग्रेस एक्टिवेट था। इतना सुंदर दिख रहा है देखो एकेडमी, मैं ग्राफिक देखने के लिए यहाँ पर बस रुका था कुछ पल के लिए। मतलब यहीं से तो आप सोच ही सकते हो कि मैक्सिमम वगैरह सेटिंग में कैसा दिखेगा ये गेम, या फिर जब RTX अपडेट आएगा इसमें। ये दो है भाई, यहाँ पर इन लोगों को मारना पड़ेगा। इन लोग बहुत परेशान करते हैं ये सॉर्सरर लोग जो है ना, बहुत एकदम कास्टिंग अपना जो रहता है जादू को करने का, उन लोगों का टाइमिंग बहुत कम रहता है और फटाक फटाक से कर देते हैं जल्दी जल्दी से। सामने एक और एक सॉर्सरर है। ओ शूट, ओ भाई मैं रेंज को ज़्यादा ऊपर समझ लिया था। भाई 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 भाई, ये बहुत खतरनाक एनिमी है, इसको ग्रेस स्पॉन कर लेंगे, मतलब एक्टिवेट कर लेंगे ताकि अगर निपट जाए तो यहाँ पर आ जाए हम। बहुत बढ़िया, अब मारेंगे सॉर्सरर को। ग्रेस में रेस्ट नहीं कर सकते अभी क्योंकि रेस्ट करना तो बेवकूफ़ी होगा ना, अभी रेस्ट करेंगे तो रीसेट हो जाएगी। और एक ऊपर से गिरा ये जो भी नाम है, तो उसको देखने से एक स्टार वॉर का कैरेक्टर याद आता है, जनरल ग्रीव्स ऐसा कुछ नाम रहता है उसका, बहुत सारा हाथ रहता है, आप भी देखे होंगे, अगर स्टार वॉर नहीं भी देखे हो तो फिर भी देखोगे तो पहचान जाओगे, उसका बहुत सारा हाथ रहता है और बहुत सारा वो लाइट से यूज करता है, उन्हीं लोगों के टाइप का लगता है ये भी। बहुत डैमेज भी देते हैं, देखे ना मेरे को कितना डैमेज करे। तो अभी इस साइड जाएंगे, ग्रेस में रेस्ट करेंगे एक बार ताकि हमारा फ्लास्क रिप्लेनिश हो जाए। फ्लास्क बहुत काम आता है भाई, वही चीज़ हमें ज़िंदा रखा है अभी तक। स्मोक इफेक्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये जो सिमेट्री बना हुआ है किस हिसाब से बना हुआ है ये बात मेरे को बताओ। मतलब ठीक है गेम में फील देने के लिए डाले हैं कि लोग मर जाते हैं यहाँ पर दफनाना पड़ता है, ऐसा दिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन इतने पास कैसे दफनाते हैं भाई। मतलब कोई बड़ा व्यक्ति, गॉड, डेमी गॉड जो भी है, ओ शूट, ये लोग ग्रैब करने के बाद FP तो लेते ही हैं, मतलब हेल्थ तो लेते ही हैं लेकिन FP भी ले लेते हैं साथ में। इतने स्लो आते हैं और अचानक से स्पीड हो जाते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये जो सिमेट्री बना हुआ है यहाँ पर, इतने सारे ग्रेव हैं यहाँ पर, तो इतने पास पास कौन बना था ये बात बताओ मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ओ शूट शूट शूट, इतने सारे लोग आ गए थे भाई। रेफ्टी ख़त्म था और मैं यहाँ पर मार रहा था ये वाला अनुशीत, अब मत पकड़ना यार। ओ भाई बाल बाल बचा, अनशीत, मतलब अगर FP होता तो अनशीत से लोग निपट जाते अभी, लास्ट हिट जो था मेरा उसी से ही।
इस एरिया को जब मैं मेन अकाउंट में क्लियर कर रहा था तो बहुत टाइम लग गया था, मतलब मैं बार बार मर रहा था यहाँ पर, जबकि उस अकाउंट का कैरेक्टर इससे ज़्यादा पावरफुल था मेरा, क्योंकि मून वेल यूज़ करता था मैं उसमें और मैजिक वगैरह बहुत यूज़ करता था। ये ब्रिज भी ऐसा लग रहा है बहुत बड़े लोग को जाने के लिए है, और पेड़ भी बहुत खतरनाक फीलिंग दे रहा है एकदम गॉथिक वाला। यहाँ नीचे चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एनिमी रहते हैं हमको बहुत हार्म कर सकते हैं। ये पीछे आ रहा है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी आ रहा है भाई, उतर नहीं पा रहे हैं लोग, नीचे गिर जा रहे हैं। ओ भाई यहाँ आ गया, ये था ये हमें तीर मार रहा था। अगर अपन नीचे पहले उनसे लड़ते तो ये हमें तीर मारते ही रहता और बहुत हार्म करता। हमारा FP बहुत वेस्ट होता इनके चक्कर में। ओ भाई ओ भाई, मैं इन्वेंट्री के चेक करने गया थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ के लिए, एक कुत्ता अपने ऊपर हमला कर रहा था। मैं यहाँ पर लैंटर्न एक्टिवेट करने के लिए गया था वैसे इन्वेंट्री, क्योंकि अंधेरा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। कुकू ग्लिनस्टोन, मेरे को पता भी नहीं है भाई क्या होता है कुकू ग्लिनस्टोन या उसका क्या यूज़ होता है। अभी भी बचे ही हैं भाई ये लोग। नागा की वह है भाई, बहुत अच्छा वेपन है, छोटा सा गैप था लेकिन गिर सकते थे, अच्छा वो नहीं गिरा मैं। तो ये रास्ता देखना था मुझे कि कहाँ जाता है याला, मैं कभी नहीं देखा हूँ इसलिए। यहाँ पर भी वो खड़ा है भाई, ये खड़े ही रहा भाई तू। इनका आँख चमक रहा है भाई, अपन को FP तो दे देना चाहिए मारने पर, ऐसा होता तो मज़ा आता। वैसे 41 है गेम में, कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको अगर इक्वाइप करके अपन एनिमी किल करेंगे तो हमारा FP भरता है, थोड़ा थोड़ा सा भरता है, ज़्यादा नहीं भरता, थोड़ा थोड़ा सा भरता है। सिल्वर पिकल्ड फाउल फूड, वो शूट शूट लेफ्ट से आ रहा है, अपने को नहीं देखा शायद वो, अच्छा हुआ नहीं देखा। इसका हेल्थ उतना नहीं गया भाई, इसको काहे क्रिटिकल नहीं पड़ा, मतलब क्रिटिकल था उतना भयानक क्रिटिकल नहीं पड़ा। भाई मैं जंप एंड अटैक करना चाह रहा था, लेकिन देखा अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ये अपन को अटैक कर देते हैं, मतलब अपना अटैक बाईपास कर देते हैं ये लोग। ये लोग स्केलेटन नहीं है, स्केलेटन होते तो भाई यहाँ का लड़ाई पता नहीं कितना लंबा हो जाता, क्योंकि लोग बार बार जिंदा होते रहते हैं। अब दिखा रहा है भाई समन साइन इतना लड़ाई होने के बाद, मतलब आगे और भी दंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसको निपटाएंगे, कोने में क्या करने जा रहा है भाई, हल्का होने जा रहा था शायद वो, खैर कोई नहीं हम इसको बहुत हल्का कर देंगे मार के। मैजिक ग्रीस भाई, ये कुत्ता जॉम्बी कुत्ता टाइप है भाई, ये तो गंदा कुत्ता साला। यहाँ पर और दो हैं, दो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल को मुझे। कुत्ता भाई, दो कुत्ते हैं यहाँ पर तो, और एक आ रहा है सर हमारे पीछे से, जो भी है ज़ॉम्बी वैसी टाइप का शायद, मुझे नहीं पता, नहीं आ रहा है, नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर डंग बीटल का आवाज़ आया होगा अगर आप किसी ने होंगे, इसलिए मैं शांत हो गया था थोड़े देर के लिए। स्पेक्ट्रल लेंस एश ऑफ वॉर मिला, ये अच्छी बात है। यहाँ पर और भी कुछ पड़ा हुआ है, गोल्डन रून, ये अच्छी बात है। गोल्डन रून बहुत हेल्प करता है, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट चाहिए होता है, रून चाहिए होते हैं तो उसके लिए, डेवलप वगैरह के लिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ना ज़रूरत से ज़्यादा रून को पॉपअप नहीं करना,
क्योंकि अगर मर वर गए तो वेस्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे जगह मरना पड़ता है जहाँ पर ना दोबारा नहीं जा सकते, जैसे कि बॉस एरिया हो गया वगैरह, या फिर कहीं ख़तरनाक जगह चढ़ते उतरते वक्त गिर गए। ये गेट कहाँ ले जाएगा भाई हमको? स्पिरिट समन गायब होने वाला है, लेकिन खुद से नहीं हुआ, मतलब एनिमी है अभी भी। अब हो गया, मैं दूर आया इसलिए हुआ वो तो गायब। लेकिन और देखो सामने है एनिमी, कौन है भाई गायब हो रहा है? बाप रे जादू भी यूज कर रहे। तो अच्छा ये वही है विपिंग पेनिनसुला में देखने को मिलता है हमें, ऐसा टाइप का एनिमी। तो मैं शॉप और यूज़ नहीं कर पाऊँगा करके दोनों किताना निकाल लिया था अपना। उसी किताना को अपग्रेड करना है, जब से नागा कीबा मिला है मैं नागा कीबा को ही अपग्रेड कर रहा हूँ। भाई 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 ये स्टैगर भी नहीं हो रहा है और हम स्टैगर हो रहे हैं इससे। तो ये जो अभी ऐशो और यूज़ करा था इसको ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, जिसमें इसने अपना तलवार ज़मीन में गाड़ दिया था। तो इससे होता ये है कि आसपास के एनिमी जो है उनको डैमेज पहुंचता है और जो जो ये यूज़ कर रहा है उसके पास खींचे चले जाते हैं, मतलब उसके टाइप का ये ब्लैक होल के टाइप का। देखिए आप अभी इसने यूज़ किया था तो मैं उसी के साइड चला गया। ग्रेविटी वेल, हाँ ये जादू है, मतलब अगर जो यूज़ करता है उसके लिए तो सही है। सोम्बर स्मिथिंग स्टोन 3, अच्छी बात है अगर कोई सोम्बर वेपन यूज़ करा मैं कल के दिन तो काम आएगा अपग्रेड करने में। अभी तो फ़िलहाल सादा वेपन यूज़ कर रहे हैं। और ये लिफ्ट को हमें ऊपर चलना है लिफ्ट लेकर, बहुत खतरनाक लिफ्ट है यार। भाई ये क्या कर रहा है ज़मीन में, लोग खोजते क्या रहते हैं मेरे को ये बात बता दो। यहाँ पर और एक है, और दो है भाई, एक नहीं। लुअर्निया ऑफ द लेक में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हर जगह क्रिस्टल ही क्रिस्टल पड़े रहता है। इस एरिया को ही देख लो, साइड साइड में थोड़ा बहुत भी रहेगा लेकिन रहेगा ज़रूर। इधर कुछ नहीं है, मैं ढूंढ रहा था कुछ अगर मिल जाए तो। इस साइड का एरिया चेक नहीं करे थे ना हम, चेक कर लेते हैं एक बार उधर कुछ और मिल जाए हमें लूट वगैरह। खड़े नहीं हो पा रहे भाई, मारने आया है। तो आई गेस कि ये रास्ता हमें कहीं और ले जाएगा, अभी नहीं जाते। वैसे मैं पैचेस को मिला था, मतलब पैचेस से मिला था, लिवर्निया ऑफ द लेक में शिफ्ट हो गया है वो। और यहाँ पर खैर हमें ग्रेस मिल गया अभी। हाँ तो पैचेस से मिलने के बाद उसने बताया था कि यहाँ पर जो वाटर वेल है उसके नीचे कोई आयरन वर्जिन मिलेगी और उसके पास कुछ खास सामान भी मिल सकता है। आयरन वर्जिन भाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद भाई, बहुत हार्ड एनिमी रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है उनसे लड़ने में। सबसे बेस्ट तरीका ही है उनको हराने का कि मैं लाइटनिंग ग्रीस लगाओ या लाइटनिंग वेपन यूज़ करो, कुछ वीक होते हैं ना वो लोग भाई। गार्ड कर लिया था भाई या कर ली थी नहीं पता, जेंडर भी पता नहीं चलता है, कपड़ा ही रहता है, बहुत घटिया दिखता है इनका मार, कुछ भी बोलो आप लोग। मेरा बिल्ड दूसरा जो मूनवेल वाला बिल्ड है उसमें मैजिक भी यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को आज तक ये पहनने का मन नहीं करा। मजबूरी में कभी पहन लिया होगा वो अलग बात होगा। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है भाई? तो स्क्रोल मिला भाई, ये अच्छी बात है। वाह बहुत बढ़िया, ग्लिनस्टोन का कुक बुक मिल गया, तो जो खेलता है इंटेलिजेंस वाला बिल्ड उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं खेलते खैर। ये सब उधर का है देख रहे हैं भाई, मैं सामान गिराया फिर भी पीछे नहीं मुड़े भाई। लेफ्ट साइड वाली हो या वाला अपना निकाल लिया था जादूगर का छड़ी, जादू करने वाला छड़ी, इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है भाई। ओ शूट ये कहाँ से आ गया? बाप रे बेब्लेड है तो मटका के भेस में।
पास में आते लोग पागल हो जाते हैं, एकदम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक सॉर्सरर जो है वो तीन बार यूज करता है ये जो अपना जादू वाला, लेकिन सब बहुत सारे उनसे दिक्कत जाता है ना। बाप रे, बहुत बढ़िया डैमेज। अल्टू का बेब्लेड था ये तो, कोई हमें मार रहा था भाई। अच्छा ये था, अब दो बार यूज करा, दोनों को डैमेज लगा। टेस्ट में क्या था देखेंगे। रिचुअल पॉट क्राफ्टिंग के काम आता है शायद, मुझे नहीं पता। ये वाला दरवाज़ा बंद है, अभी बंद ही रहता है संडे वाला। और भी बंदे बचे होंगे यहाँ पर एक दो। अच्छा एक तो यही रहा। बाप रे, स्टैगर हो गया था वो, कोई हमें मार ही रहा है भाई अभी तक। ये लूट तो कर ही लेंगे अपन। बाप रे, दो लोग हैं। बाप रे, कॉपी से मार रहे, बुक से मार रहे थे भाई, देखे कि नहीं तुम लोग? नहीं पता, ऐसा एनिमेशन क्यों बनाते हैं भाई। पढ़ते हैं, उनका बिल्ड भी इंटेलिजेंस है ठीक है, मेज बिल्ड है जो भी बोल लो, लेकिन ऐसा कॉपी बुक से क्यों मार रहे हैं भाई? ऐसा क्या कर दिया हमने? तलवार से मारते, डंडा से भी मारते, वो भी अच्छा लगता। अच्छा हुआ नहीं लगा उसको, लेकिन अच्छा ये भी हुआ कि मुझे भी डैमेज नहीं लगा। तो यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता रहता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो, सीक्रेट वॉल, हिडन वॉल या जो भी बोल लो। और यहाँ हमें मिलेगा बहुत अच्छा सॉर्सरी अगर आप इंटेलिजेंस बिल्ड खेलोगे तो, कॉमेट। और क्या, और कुछ भी रहता है क्या यहाँ पर? अच्छा स्टोन सोर्ड की रहता है, चलो सही है। तो यहाँ पर रिनाला का पेंटिंग बना हुआ है, और वो राइट साइड दिखा रही है, लेफ्ट साइड दिखा रही है, पता नहीं अपना फिंगर को। मुझे लगा कुछ होगा यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं था। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। ऊपर मैं कभी नहीं गया हूँ वैसे, मैं बस अपना मूनवेल अल्ला बिल्ड में कॉमेट लेने आया था और कॉमेट लेकर चला गया था। यहाँ ऊपर पहली बार आ रहा हूँ मैं। किताब पूरे बिखरे पड़े हैं भाई, इतना बुक पढ़ते हैं, जमा करके तो रख देते हैं। तो यहाँ पर बीच में गड्ढा है, साइड में देख लेते हैं अगर और कोई सीक्रेट वॉल हो तो। यहाँ पर नहीं लग रहा यार मुझे तो, कोई सीक्रेट वॉल नहीं लग रहा इस एरिया में। सब वॉल नॉर्मल ही लग रहा है। सीक्रेट वॉल जो भी रहता है एकदम अब नॉर्मल रहता है। ये है सीक्रेट जगह, लेकिन तो एक बार इस दीवार को मार के देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सीक्रेट वॉल नहीं है। हर दीवार को मैं सीक्रेट समझूंगा तो नहीं होगा ना। तो वहां पर कुछ लूट पड़ा है हमारे सामने, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लूट करूंगा तो एनिमी आ जाएंगे। ग्रेवन स्कूल तालिस्मान आना चालू। अच्छा ये पॉट लोग ही आ रहे हैं क्या? अच्छा हुआ बड़े वाले नहीं आए भाई, बड़े वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं पॉट। भाई 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 भाई, पॉट है तो है, हाथ बनाने का क्या जरूरत है इनका? और इन लोगों को मार रहे तो भाई, इनके अंदर से क्या खाना गिर रहा है, खून गिर रहा है, नहीं पता, बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन जो भी है, चाहे वो खाना हो या खून हो। गेट खोल लेते हैं भाई। ओके ओके, तो ये गेट यहाँ आता है, ये नहीं पता था मुझे, मुझे लगा था ये गेट कभी खुलता ही नहीं है टाइप। तो अभी अपन जब ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमारा बॉस फाइट होने वाला है तुरंत इस एरिया में। सेक ऑफ अमेरिका होना चाहिए यहाँ पर, नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई ये है रेड वुल्फ ऑफ रेडागॉन, जो रेडागॉन जो था रेनाला का हस्बैंड, जिसने अमेरिका के लिए छोड़ दिया था अपनी पत्नी को, उसी का भेड़िया है।
भाई अपने आप को ले गया उसके पीछे, मरिका के पीछे, भेड़िया को भी ले जाता। इसका मूवमेंट बहुत खतरनाक है भाई, और ऊपर से जादू तो ना यूज़ करता है, देख रहे हो ना, वैसे भी कर ही रहा है, जेलीफिश को ही मार रहा है। अरे बेवकूफ़ मैं हूँ यहाँ पर, वो शूट, मैं अपना हेल्थ इसलिए बढ़ा के रखा हूँ, कभी भी कुछ भी होता है यहाँ पर भाई। इतना ज़्यादा डैमेज करा, देखा आप लोगों ने इसका हिट। अब ख़त्म, मैं ख़त्म नहीं होऊंगा, लेकिन एक मेमोरी स्टोन मिला, ये अच्छी बात है। मेमोरी स्टोन वैसे एक स्लॉट होता है जो कि खाली होगा हमारा सॉर्सरी को याद करने के लिए। जैसे साइट ऑफ ग्रेस में रेस्ट करते हैं ना अपन, तो दिखाता है कि मेमोराइज स्पेल, हाँ तो ये सब वही काम होता है। जिसका बिल्ड है इंटेलिजेंस या फेथ वगैरह वाला, उन लोग को पता होगा। और जैसे कि कोई कोई सा पावरफुल सॉर्सरीज रहता है, उन लोगों को और भी ज़्यादा मेमोरी स्लॉट चाहिए होते हैं, एक स्लॉट में नहीं रख सकते हम, मतलब दो तीन स्लॉट वो लोग अकेले ही खा जाते हैं। तो इस साइड आगे बढ़ेंगे, पहले सेक ऑफ अमेरिका एक्टिवेट कर देते हैं भाई, नहीं भूलना चाहिए हमें इसको, दिक्कत होगा नहीं तो आगे। तो यहाँ पर हमें गोल्डन सीड मिलेगा आसपास, और स्टोन स्वर्ड की भी मिलना चाहिए। और एनिमी से भरा हुआ है ये जगह भाई, और आप समझ ही गए होंगे क्योंकि दिखा रहा है वहाँ पर साइन साइड में कि समन कर ले भाई करके। दो गोल्डन सीड है हमारे पास, एक और मिलेगा तो हमारा फ्लास्क लेवलअप हो जाएगा। राइट मैरन वर्जिन थी भाई, पता नहीं देखी कि नहीं हमको, तो ये मिल गया गोल्डन सीड हमें भाई। ओ माय गॉड, रेस्ट कर लेना सही है अभी जाके तुरंत, ताकि ये सब रीसेट हो जाए और मेरे पीछे ना पड़े, क्योंकि अब हम डायरेक्ट रिनालक पास चलेंगे, वहाँ पर बॉस फाइट होगा। मतलब उसका एक नाइट रहेगा सामने, उससे लड़ना चैलेंजिंग है, उससे पहले लड़ेंगे फिर बॉस फाइट। तो रेस्ट करना ज़रूरी था यहाँ पर, इसलिए कर लिया हमने, ताकि वो सब रीसेट हो जाए। और अब हमें कपड़ा उतार देना चाहिए अपना, यानी कि इक्विपमेंट उतार देना चाहिए अपना, ताकि अपन लाइट वेट हो जाए, क्योंकि अब जो करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। कितना गंदा लग रहा है ना सुनने में, बहुत स्टेमिना की ज़रूरत पड़ता है, कपड़ा उतारना पड़ता है। तो भाई मैं गोल्डन सीट एक्टिवेट करना भूल गया था, और दोबारा करने के लिए वापस मुड़ गया था। तो भाई ये अब मैं करके आ चुका हूँ, और अब आगे बढ़ते हैं, इस बार पक्का पक्का आगे बढ़ते हैं। गोल्डन सीट ज़रूरी है इस लड़ाई में ना, मैजिक का कुछ काम नहीं है। मैजिक से डैमेज दोगे उसको, इम्यून बहुत रहता है, बहुत कम लाइफ जाता है उसका। ऊपर चढ़ना भी तो यहाँ पर चैलेंजिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा इस गेम में, लेकिन GTA से बहुत अच्छा जंप करते हैं लोग। स्टोन स्वर्ड की भी मिल गया हमें, और आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन यही है रास्ता भाई, ये जो ब्रिज के दो लाइन यहाँ पर जुड़े हैं पिलर टाइप के, यही है रास्ता, क्योंकि जनरली ये ब्रिज तो टूटा हुआ है। साला राइट साइड मुड़ रहा था, फिर बाद में लेफ्ट आ गया, ये अपन को नहीं डैमेज कर पाएगा, और नहीं करा इसने। यहाँ पर ग्रेस होना चाहिए भाई इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर टेलीपोर्टर रखे हैं लोग। ये दरवाजा इस साइड से नहीं खुलता, तो मैं वापस अपना पहन लिया इक्विपमेंट, क्योंकि ये नाइट हम पर हमला कर देगा, और इस साइड हमें गेट को खोलने जाना है, ताकि अगर अपन मर गए मान के चलो बाई चांस। ओ शूट, नाइट आ गया भाई, मुझे नहीं लगा था आ पाएगा इतना जल्दी। जादूगरनी को नहीं मारता या जादूगर को, तो हमारे पीछे वो स्पेल करते ही रहती। इसको जद खत नहीं मार सकते भाई, पैरी कर देता है। जंप एंड अटैक लग रहा है इसको, देख रहे हो
ये एश ऑफ वॉर को भी पैरी कर सकता है, बहुत खतरनाक नाइट है, होना भी चाहिए भाई, एरियन नाइट है। देखा मैं बोला था पैरी कर देता है, और उसका हिट देखे कितना हेल्थ ले गया हमारा। मुझे पीना जरूरी था इसलिए पिया मैं। तो केरियन फैमिली का नाइट है, केरियन फैमिली यानी कि रिनाला का फैमिली भाई, वो भी एस्टस पी लिया लेकिन उसका हेल्थ नहीं बढ़ा, गनीमत उतना। दोबारा पीना चाह रहा था और अपन ले गए भाई इसका किल। तो केरियन नाइट शील्ड मिल गया हमें, बहुत ही अच्छा शील्ड है अगर आप इंटेलिजेंट यूज करते हो तो। इसका एक बार स्टार्ट्स देख लेते हैं। देखो स्टार्ट से हर चीज़ नहीं कह सकते हम, डीडी स्केलिंग है इसका, ये अच्छी बात है, और ऊपर से 100% डैमेज नेगेशन है फिजिकल का इसका। तो इस साइड ये लोग को मार देते हैं क्योंकि अपन इतना सारा रून्स मिला है तो अपन और एक लेवल अप कर सकें, शायद कर ही लेंगे। इन लोग भाई मरने का उम्र आ गया इन लोग का टैप कैंप पहले से। जानबूझ कैसा एनिमी रखे रहते हैं गेम में ताकि लोग बोर ना हो, इन लोग साथ मस्ती कर पाए। तो जिस साइड अपन जा रहे हैं वहां पर तो बहुत जादूगर वगैरह लोग मिलेंगे। ये दोनों भाई ऐसा क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है भाई, जमीन में अभी तक क्या ढूंढ रहा है तू। मैं दो लोग को मार के भाग रहा था। एकेडमी ग्लिनस्टोन स्टाफ बहुत बढ़िया वेपन है अगर आप इंटेलिजेंट बेस यूजर हो तो। यहाँ पर हर चीज़ इंटेलिजेंस वाला मिलता है क्योंकि जानते हो भाई एकेडमी ऑफ रेयल इक्वायरिया है, तो यहाँ पर सब जादू टोना ही सब सीखने आते हैं। ग्लिनस्टोन वेट ब्लेड, ये नहीं पता मुझे क्या होता है ग्लिनस्टोन वेट ब्लेड, जादू वाला कुछ करता होगा इतना पता है, समझ में आ रहा है नाम सुन। ऊपर से क्या देख रहा है भाई, मैं पीछे आ गया, नजारा देख रहा था यहाँ का, टूटा हुआ ब्रिज का सब खत्म। ये लोग नीचे वाले को मैं नहीं लड़ूंगा, नीचे वाले से लड़ना वर्थ इट नहीं लगता मेरे को, मतलब अभी नहीं लगता। तो रहने देते हैं भाई, जा जी ले अपनी जिंदगी, एक बार बस रेस्ट करेंगे फ्लास्क हेल्थ वगैरह रिप्लेनिश करने के लिए और तुरंत भागेंगे। भागेंगे से मेरा मतलब है भागेंगे ही, नहीं लड़ेंगे नहीं, इस बार भाग के जाएंगे और फाइट करेंगे। थोड़ा सा रून्स कम हो गया, कोई बात नहीं, सोल्स पॉप अप कर लेते हैं, हो जाएगा। तो मैं अपना यहाँ पर इंड्यूरेंस बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा, स्टेमिना का बहुत ज़रूरत पड़ेगा ये फाइट में, फाइट ही ऐसा है, स्टेमिना की ज़रूरत पड़ता है। तो भाई मैं हर चीज़ यानी क्वेप कर लिया और अपना जो है लोअर बॉडी का कपड़ा को भी चेंज कर रहा हूँ, पैंट को, ट्राउज़र जो भी, क्योंकि हल्का रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा यूज़ ना करे स्टेमिना वगैरह। जितना ही ज़्यादा भारी रहेगा और वेपन या कुछ भी चीज़ इक्विपमेंट, उतना ही ज़्यादा स्टेमिना कंजप्शन करेगा। नागा की बाह बहुत ज़्यादा करता है लेकिन वो तो ज़रूरी है ना, बिना तलवार के मारेंगे कैसे। ऊंची घटाना से भी हो जाएगा लेकिन मैं ये फाइट एंड करना चाहता हूँ भाई चालू होते ही साथ। तो अब भाई भागना है अपन को, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इन लोगों से बचने का यही रास्ता है कि लेफ्ट भागना है पहले थोड़ा, फिर राइट भागना है सीढ़ी में, वरना पक्का लगता है। इस वाले सॉर्सरर्स से नहीं लड़ेंगे भाई, नाइट नहीं आया अभी, आना भी नहीं चाहिए, मतलब वो एक ही टाइम आता है भाई, बहुत खतरनाक एनिमी है, इतने एनिमी को नहीं आना चाहिए बार बार। तो पहले से यहाँ पर लिफ्ट, ये अच्छी बात है। मुझे लगा बटन दबाना पड़ेगा या मैं लास्ट बार दबाया था याद नहीं है मुझे, जो भी है जैसा भी है, अच्छा हुआ बटन दबा दिया मैं ताकि अगर निपट गए तो वापस आने में आसानी होगी। इतना बड़ा गेट रहता है भाई। तो ये है हमारा कैरेक्टर भाई, सामूराय
जिसको अपन ने बिल्ड किया था, और ये है लाइब्रेरी एकेडमी ऑफ रिया लुकारिया का, और यहाँ हमें मिलेगी, जान लो यार जो भी मिलेगी देख लो। Little Calva, I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. बहुत हवा में उड़ रही है ना, रुक जा थोड़ी देर। ओ माय गॉड, तो ये जो गोल्डन में रहते हैं यहाँ पर चमकते रहते हैं, जिनके पास गोल सा ऑरा रहता है गोल्डन वाला, उनको मारना है रीनाला को किल करने के लिए। भाई और ये सब चलते क्यों नहीं है मुझे नहीं पता भाई, सांप जैसा रेंग रहे हैं। मैं इसे अभी भी किल कर सकता हूँ लेकिन नहीं किया मैंने। अनसीत यूज़ करता तो बहुत हेल्थ जाता उसका वैसे भी। भाई आग भी छोड़ते हैं देखो ये लोग कैंडल वगैरह से, और जहाँ पर ये गिरते रहते हैं ना ऊपर से कुछ आग वगैरह, वहाँ से झूमर गिरने का डर रहता है। इन लोगों को मारना ज़रूरी नहीं है, एक हिट करोगे अगर हट जाओगे तो हो जाएगा। और इन लोगों को ढूंढने का ये तरीका है कि जहाँ से किताब उड़ के आ रहे हैं या फिर हेडफोन लगा खेल रहे हो तो गाना सुनाई देता है। बहुत मारे भाई ये लोग किताब से मुझे, भाई अपने ही बंदे को मार दिए, बंदी को आई मीन। बाप रे टैगर कर देते हैं किताब एकदम। तो अब भाई ये नीचे गिर रही है, यही टाइम है स्पिरिट समन करने का, क्योंकि अगला फेज जो होगा बहुत खतरनाक होगा। बहुत उड़ रही थी हवा में ना, upon my name as Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Brenala of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. तो भाई ये फाइट चालू हो गया हमारा, और ये जो अटैक था ना उसका, उसके बीच में बिल्कुल नहीं खाता, बहुत टाइम जाता है। और ये जो भी कर रही है जादू को ना, इसको इवेट करने का सबसे सही तरीका है कि उसके तरफ डॉच करना, डॉच करके उसके साइड बढ़ना, मतलब पीछे मत आना या साइड मत जाना, उसके उसके पोजीशन में डॉच करना, पोजीशन की तरफ आने।
बाप रे, हेल्थ देख रहे हो, फायर ग्रीस के कारण इतना जा रहा है। वेपन भी अपना है ही ऐसा, तो ये समन वगैरह कर लिया भाई, वो जेलीफिश देख लेगा। भाई 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 भाई, भाई। मेरा हेल्थ बड़ा है लेकिन फिर भी देख रहे हो ना कितना डैमेज पड़ रहा है अपन को। फिर समन कर ली भाई। मरते मरते अपनी बेटी को याद कर रही थी, जिंदा रहने से याद करना चाहिए था ना, तो फायदेमंद रहता। या हमको मारना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ हरकत नहीं करना चाहिए था। तो इसके पास शार्ड था। Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty, dither not. Come out, say I, or will ye be gravestones, to be better born anew? Ah, thou, is it thy wish to be born anew, to become a sweeting, reborn of my beloved egg? तो भाई यहाँ से अपन अपना कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिकली हो या फिर उनका लेवल हो। मतलब मान के चलो मैं अभी समुराई खेल रहा हूँ, मतलब डेक्स बिल्ड है मेरा, डेक्सटेरिटी और स्ट्रेंथ बिल्ड है। मैं इसको मेज में चेंज कर सकता हूँ, मेज यानी जादूगर होता है, जादू टोना करने वाला बिल्ड खेल सकते हैं अपन, या फिर एक हाइब्रिड बिल्ड। Alarmed, nor afeard, I would birth thee as a sweeting, fair and fine. तो उसके अंदर जो एग से निकली थी वो, उस रीनाला को हमने मार दिया, और यहाँ पर और एक रीनाला है जो हमें ये सब प्रोवाइड करती है, रीबर्थ वगैरह। रीबर्थ यानी कि अपना स्किल को वगैरह फिर से सेट कर सको वो सब। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे।